अच्छा, कल मैं ना एक वीडियो देख रहा था। वीडियो में एक साहब थे जो ये बात कर रहे थे कि 10 साल हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में ना तो पीआर मिली है मुझे और ना ही मुझे मेरा कोई लाइफ सेट हुई है, तो मैं यहाँ से कनाडा वापस जा रहा हूँ। मेरे माइंड में है कि यार वाकई में ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब मैं उसके हवाले से दो स्टोरी आपको सुनाता हूँ, दो बंदों की, दो बंदे जो कि सेम टाइम पे ऑस्ट्रेलिया आए। एक जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ, एक फरवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ। अब दोनों की डिफरेंट स्टोरी है। देखिए, दोनों टाइम पे आए, एक ही टाइम था, लेकिन दोनों की स्टोरी डिफरेंट है। कैसे है? एक ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी स्टडी पूरी की, और पढ़ाई पूरे करने के बाद जब टीआर मिली, टेम्परेरी रेजिडेंसी। अब जो टेम्परेरी रेजिडेंसी जो होती है ना, वो सिर्फ लाइफ में एक बार मिलती है जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैं स्टेज से गुजर चुका हूँ, स्टूडेंट ये करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वेजेस इतनी हाई हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो जो पुराने पापी यहाँ पे बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें ऊबर का बना के देते हैं लाइसेंस और उन्हें ऊबर पे गाड़ी चला के देते हैं, और वो वीक की या मंथ की $3,000 से $4,000 जो है वो कमाना शुरू कर देता है। $5,000 से $6,000 तक भी लेके जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की वेजेस इतनी हाई हैं कि उसको लत लग जाती है पैसे की। अब वो पढ़ाई भी छोड़ देता है, ठीक है, और पढ़ाई छोड़ने के बाद उसको ये बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि भाई जो मैं ऊबर चला रहा हूँ, जो ऊबर को टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम मैंने देना है अपनी यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो नहीं देता। उसका नतीजा क्या होता है, उसके कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं और वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। खैर, अल्लाह करके उसकी डिग्री कम्प्लीट हो जाती है। अब डिग्री कैसे कम्प्लीट होती है उसको पता है। अब जैसे उसकी डिग्री कम्प्लीट होती है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है ना, उसको 2 साल की टीआर देती है कि लो भाई, तुमने जो डिग्री पढ़ी है अब हम तुम्हें 2 साल दे रहे हैं, इस 2 साल के अंदर उस डिग्री में उसकी फील्ड की रिलेटेड जॉब ढूंढो, वो करो, अपने पॉइंट्स पूरे करो और पीआर की पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट्स पूरे करके पीआर की फाइल डाल। अब जिस बंदे ने 2-2.5 साल सिर्फ उसे ऊबर चलाई हो, कॉलेज की असाइनमेंट्स ना किए हों, कॉलेज कभी गया ही ना हो, देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सबसे पहले गलती क्या करते हैं, वो जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वेजेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपने कॉलेज से हट जाते हैं, उनका वो ट्रैक टेढ़ा हो जाता है। तो सेम एज इट इज़, अब वो जो दो बंदों की स्टोरी सुना रहा था, एक बंदा अपने ट्रैक के ऊपर ही था, उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, ऊबर भी चलाई, दुबा के चलाई, लेकिन साथ में डिग्री कंप्लीट रखी, कॉलेज की क्लासें मिस नहीं की, कॉलेज की जो ग्रेड्स थे वो कंप्लीट किए, और उसके बाद टेम्परेरी रेजिडेंसी में अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढी और पॉइंट्स इकट्ठे किए। देखें, टेम्परेरी रेजिडेंसी सिर्फ 2 साल, टीआर सिर्फ 2 साल के लिए मिलती है, और वो इसलिए नहीं मिलती कि आप ऊबर चलाएं, पैसे कमाएं, वो इसलिए मिलती है भाई कि आपने जो डिग्री की है अब उसके रिलेटेड जॉब ढूंढें, उसमें एक्सपीरियंस जो लें और उसके बाद पॉइंट्स इकट्ठा करके अपनी पीआर डाल दें। लेकिन स्टूडेंट्स ज़ाया कर देते हैं उसको ऊबर चलाने में, सिक्योरिटियाँ करने में, टैक्सीज चलाने में, पाकिस्तान में प्लॉट बनाने में, और उसका हल क्या होता है? अब उसका नतीजा ये होता है, दो बंदे जो सेम टाइम पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं, एक की पीआर हो जाती है, वो पीआर लेकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता है, और दूसरा बंदा जो ऊबर चला रहा था, जिसने टैक्सियाँ की, जिसने सिक्योरिटियाँ की, वो 2020 या 21 में चूँकि स्टूडेंट वीज़े के 3 साल ज़ाया कर दिए, टेम्परेरी रेजिडेंसी ज़ाया कर दी, उसके बाद 2 साल का फिर स्टूडेंट वीज़ा लेके ज़ाया कर दिया, वो पाकिस्तान परमानेंटली मूव हो जाता है, और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब इस स्टोरी का लुब्बे लबाब क्या है? अब इस स्टोरी का लुब्बे लबाब ये है कि वो जो बंदा परमानेंटली पाकिस्तान मूव हो गया, उसने पाकिस्तान के अंदर क्या बना लिया? उसने पाकिस्तान के अंदर 3-4 प्लॉट बना लिए और वहाँ पे चला गया और उसके ऊपर रेंट लेगा, जो भी करेगा, लाइफ गुजारेगा। लेकिन जो उसको अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में आके मिली और उसने वो ज़ाया की, वो उसको दोबारा नहीं मिलेगी यहाँ। अब अगर वो देखें पाकिस्तान के अंदर ही क्या ही ज़िंदगी, मैं ये नहीं कह रहा बुरी ज़िंदगी है, लेकिन आप क्या ही ज़िंदगी गुजारोगे कि एक आपको एक, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते तो आपको ये एक मौका मिलता है, एक आपको एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपनी लाइफ सेट कर लो। बेसिकली ये आपको एक काम डाउन मिलता है, 3 से 5 साल का काम डाउन मिलता है। इस काम डाउन के अंदर या तो आप कामयाब हो जाओगे, आप आगे निकल जाओगे, और या तो पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो बंदा जो पाकिस्तान में 2 साल पहले चला गया है, अब मुझे उस बंदे का पता चला, अब वो जिस बंदे की खैर मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा जानने वाला ही है, अब उस बंदे का मैं पता कर रहा हूँ कि वो बंदा दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उससे इतना रेंट नहीं आ रहा, डॉलर कमाने की लत लग चुकी है, लाखों रुपयों में एक अच्छी लाइफ गुजारने की लत लग चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान में वो लाइफ मिल नहीं रही। लेकिन उसी के बरकत से दूसरा बंदा ऑस्ट्रेलिया में है,
उसकी पीआर भी हो गई है, उसकी अच्छी जॉब भी हो गई है, उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है और उसकी फैमिली भी सेटअप हो गई है और अब लाइफ में वो आगे ही निकलेगा, वो पीछे नहीं जाएगा। अगर आप ये अपने 5 साल ज़ाया कर देंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ को, अपनी टीयर लाइफ को, तो आप एक बंद गली में होंगे जो आगे से बंद होगी। तो सेम कल जो मैंने वीडियो देखी उन साहब को मेरा यही कहना था कि जो 10 साल आपने गुजारे आपने स्टूडेंट वीज़े के ऊपर टाइम ज़ाया किया, आपने टेम्परेरी रेजिडेंसी पर टाइम ज़ाया किया, मे भी आपने ना ज़ाया किया हो लेकिन गलती तो आपसे हुई, 10 साल अभी नहीं ज़ाया हो गए। तो अब 10 साल ज़ाया होने के बाद ये ब्लेम करना कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ गुड कंट्री, अब हम मूव बैक करें या अब हम मूव कर रहे हैं किसी और कंट्री में, तो ये बिल्कुल इसका कोई आगे कहानी का एंड नहीं है।